हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारूक मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो, ये एक रिएक्शन की वीडियो, और जो वीडियो देखने के बाद हम देंगे आपको अपना रिएक्शन। उस वीडियो का नेम है कार मैकेनिक प्रैंक, और नादिर अली का ये प्रैंक है पी फॉर पकाऊ चैनल का। पहले हम देखेंगे ये प्रैंक की वीडियो और उसके मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये प्रैंक की वीडियो और उसके मेरा रिएक्शन। यार आपको तो ढूंढ रहे हैं, कौन सी गाड़ी थी? अमर गला भाई, यार आपको ढूंढ रहे हैं। असल में थोड़ा सा कॉपरेट चाहते हैं, मेरी कजन की शादी थी, वो खानपुर लेके गया हुआ। खानपुर के लिए दी क्यों गाड़ी यार? आपको मीटिंग के लिए दी है, मेरे को भी इमरजेंसी है भाई। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि क्यों दी है। असल में उसकी खुद अपनी दाती गाड़ी है, लेकिन उसकी गैसकेट फट गई तो मुझे फोन किया जुगाड़ करते। कोई मैंने आपकी गाड़ी रेडी की, मेरी गाड़ी दी थी उसको। जरा पीछे का सस्पेंशन चेक कर ले यार, ये गाड़ी यूं यूं हो रही है, यूं यूं। असलाम भाई, चलो गाड़ी देखे ना, मिसिंग कर दी थी, शराड गाड़ी बाइक वाली शराड। हाँ यार हो गई है, वो सर्च कर दी है हमने। अभी बस ये एक बंदा राउंड लेने गया हुआ, ये आपका ही सामान खोल के फिट गया। नहीं, उसमें प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा मिसिंग कर रही थी। अपना ये कटी पहाड़ी पे तो चढ़ी नहीं रही थी वो। कुछ नहीं हुआ भाई, कोई इतना बिल नहीं बनाया, मैं बंदा बस चेक कर रहा है, आगे से आ रहा है बस। क्या गाड़ी का काम कर रहा है सर? और इसका गाड़ी जब मैंने स्टार्ट किया तो अजीब पर्पल कलर का धुआं निकला है गाड़ी को। अजीब तरीके का धुआं निकला, मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा धुआं नहीं देखा, वो निकला है। सही है, और इसका इंजन बैठ गया भाई, अभी तो चल रही थी थोड़ी देर पहले, चलते चलते बंद हुई, मैं तुम्हारे बंद लिया। इंजन बैठ गया इसका भाई? कैसे बैठ गया इंजन? इंजन मतलब वो कोई, या तो इंजन को किसी ने कोला डाली है इंजन में। यार भैया अभी मैंने फोन किया है, नूरियाबाद क्रॉस कर रहा है बंदा। यार भाई क्यों गए नूरियाबाद? आप मेरी गाड़ी दो ना, मैंने ट्रेनिंग के लिए गाड़ी दी है नूरियाबाद देने के लिए। आपको किराया दो, मुझे अभी गाड़ी चाहिए। मैंने आपको गाड़ी बनने के लिए दी है, नूरियाबाद देने के लिए नहीं दी। आप मेरी गाड़ी दो, अभी गाड़ी जब आएगी तभी देंगे ना यार। कहाँ से अभी आएगी? आप मेरी गाड़ी दो बस फटाफट, नहीं तो मैं भी आपकी गाड़ी ले। कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हैं? मेरी गाड़ी दो, किसी और की गाड़ी है? मेरे को मेरी गाड़ी चाहिए, अभी मेरे इमरजेंसी है मुझे। किसी और की गाड़ी है ये? आप मेरी गाड़ी दो ना यार, आपने क्यों भेजी नूरियाबाद? यार तो आप भाई ले लो 200-300 रुपए यार, जितने भी बनेंगे ले लो यार, मुझे मेरी गाड़ी चाहिए वो दो बस। अब क्या हो गया? छिन गई? अब क्या छिन गया? छिन गई? मुझे यार, मैंने जब इसका टेबल खोला तो अंदर से कोको कोला की स्मेल आ रही है। आपने पी होगी इसलिए आपको स्मेल आ रही है। मेरे भाई मुझे, मैंने क्या पिया है क्या नहीं पिया आप बोल दो ना उसको। गाड़ी का पूछे ना यार, गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो या नहीं? मैं किसी और को दिखाऊं? नहीं तो किसी और को क्या दिखाऊं? आपके सामने ये सब पूरी खोली हुई है ना यार। तू खोली आपने जब आपको पता ही नहीं है गाड़ी का? नहीं तो पता है तो मैं, मतलब मैं मेरे बेस से ज्यादा जान रहा आप तमीज से बात। तमीज से आप भाई कर रहे हैं? आपको मैं बोल रहा हूँ गाड़ी का इंजन बैठ गया और आप जो है सब कुछ खोल के बैठे। मैंने बंदा भेजा हुआ अफगानिस्तान को, काबिल इंजन भाई पागल होगा? नई गाड़ी है यार ये, तू पूरे कपड़ों में गया था, बरहाना आ रहा है, तुम उरियानी है, केस भी बन सकता है तेरे पे। मेरी बात हुआ क्या जा रहा था बनाई कार मीनू हुई। अच्छा मैंने रोकी बिना 400 मिला गई थी, कार लेके चले गई, टायर लेके चली गई मुझे। मैं भाई मेरी गाड़ी का टायर होना है चाहिए मेरी कार में, बड़ी अच्छी बात है। सहूलत के लिए आज तक बंद हुई है
तुम फालतू की बकवास नहीं करो। एक बात तबलीग मैं तो भाई इसको बंद कर दे, किसी और को दिखाऊंगा मैं जाके। तुझे नहीं आता काम तो मैंने खोली क्यों तुमने पहले? नहीं तो कुछ कर लो ना यार। तो फिर तुम्हें आता ही क्या पता तुम कर लो, फिर मैं मेरे से क्या बात कर रहे हो? मेरे से क्या बात कर रहे हो यार? आपको जब मैं बता रहा हूँ जाके किस से बात करूंगा, आप तेज करूंगा बात को। मसला बता रहे हो ना, क्या बता रहे हो? ये मसला है क्या? मसला है कश्मीर में तुम्हें टेंटू डाल रहा है नहीं हो रहा आपको होना दुकानदार वो गए भाई। आप गाड़ी दो यार, आप इसका बिल्कुल सही इंतजाम मैं करूंगा आपको। आप बेफिक्र हो जाए, आपको गाड़ी चेंज क्यों कर रहा हूँ भाई? अरे हाँ क्या भाई, यार इंजन ये है, इंजन किस हिसाब से लोगे? मैं किलो के साथ ये सामान उठाओ भाई, क्या हो रहा है? आपको मैं खोल के दे रहा हूँ। ठेला कहाँ है आपका? ठेला कहाँ है भाई? ठेले समेत मेरे को ले जाओ, मैं बता रहा हूँ। गाड़ी के साथ क्या कर रहा है? कैमरा लगा हुआ, पूरी दुनिया आपको देख रही है भाई। हमने मजाक किया आपके साथ, हाथ हिला दे, हाथ हिला दे, और ये बोलते हैं पीपर पकाओ को सब्सक्राइब कर, पीपर पकाओ को हिल के। कोई नहीं खुल्ला, मजाक कर रहे हैं मेरा, मजाक लगा हुआ यार, मजाक कर रहे हैं। कोई नहीं खुल्ला, मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैंने सिर्फ कपड़े पहने हुए हैं मैकेनिक वाले। वो कैमरा लगाया हुआ है, हाथ हिला दे, और ये बोलते हैं आप पीपल पकाओ को सब्सक्राइब करें। अल्लाह माफ करे भाई, बहुत ही संदानी टाउंगा स्टूडेंट लग रहा है। वाह वाह। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये प्रैंक की वीडियो, कार मैकेनिक प्रैंक नादिर अली की थी ये वीडियो, पी फॉर पकाऊ चैनल की। हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से, जो कि बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग सी थी। और पी फॉर पकाऊ के जो प्रैंक होते हैं वो होते ही इतनी ज़्यादा कमाल के, मज़ेदार किस्म के होते हैं कि जितनी तारीफ लफ्ज़ों में बयान की जाए कम होती है। जैसा कि आप लोगों ने मेरे साथ देखा, फुल ऑन एंटरटेनिंग प्रैंक था ये, जो कि देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और जो है ना, क्या बस बताऊँ, इतना कमाल का ये प्रैंक था जैसे कि आप लोगों ने मेरे साथ देखा। और मज़े की बात ये कि पी फॉर प्रैंक के हर प्रैंक आप जितनी बार भी देख लें आपको उतना ही मज़ा आता है, क्योंकि होते ही इतने ज़्यादा कमाल की। और इनके प्रैंक के जो आइडियाज़ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट न्यू आइडियाज़ पर ये प्रैंक बनाते हैं, जिसकी बिना पर इनके प्रैंक को इतना नाम शोहरत इज्जत मकाम मिलता है और लोग बेताशा शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं। और इनके प्रैंक की वीडियो ट्रेंडिंग में आती हैं, जैसे कि इनकी ये वाली वीडियो जो है कार मैकेनिक प्रैंक, ये भी इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रही है यूट्यूब पे और लोग बेताशा देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। बनिस्बत पी फॉर पकाऊ की जो वीडियो होती है ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बल्कि बाहर के ममालिक में भी बहुत शौक से देखी जाती है और लोग बेताशा पसंद करते हैं, क्योंकि होती इतनी ज़्यादा कमाल की हैं। बाकी लोग भी प्रैंक की वीडियो बनाते हैं लेकिन उनकी वीडियो उतनी ट्रेंडिंग में नहीं आती, इतनी पसंद नहीं की जाती जितनी पी फॉर पकाऊ नादिर अली की वीडियोस आती हैं और लोग बेतहाशा शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं। और जैसे कि ये वीडियो थी, आप लोगों ने मेरे साथ देखा कितना न्यू किस्म का आइडिया था और मज़ेदार किस्म का था और कितनी मतलब फ़नी डायलॉग और मतलब फ़नी चीज़ें भी थी, साथ साथ प्रैंक जो देखते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैंने तो फुल ऑन इन्जॉय किया। आई होप सो कि आपको भी पसंद आया होगा, क्योंकि था इतना ज़्यादा कमाल का। और लोग इस प्रैंक को या फिर नादिर अली के प्रैंक जो होते हैं पी फॉर पकाऊ के बहुत शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं। और क्योंकि जो है बस यही मैं कहूँगा कि बहुत उमदा आला और शानदार इनके प्रैंक का मयार होता है, जिसकी तारीफ़ क्या बस बंदा लफ्ज़ भी नहीं मिलते ढूंढना चाहे तो, क्योंकि होते ही इतने ज़बरदस्त हैं प्रैंक के, क्या ही कहने हैं। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये प्रैंक की वीडियो और उसके मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। और अब आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।